क्योंकि मौतें तो अब हो रही हैं, बच्चियों की मौत की खबर आ रही है, बेहोशी की खबर आ रही है, एडल्ट मर रहे हैं, तो ये जो हत्यारा है कौन? ये जितने भी इन्होंने इंटरवेंशंस किए हैं स्टार्टिंग से, वेदर इट इज लॉकडाउन, वेदर इट इज क्लोजर ऑफ स्कूल, वेदर इट इज सोशल डिस्टेंसिंग, सोसाइटी को आपने फ्रैक्चर कर दिया है, जितने भी मेजर्स, और अभी वैक्सीन, ये जितने भी मेजर्स इन्होंने लिए हैं सब में नुकसान ज़्यादा हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। कम तो मैं बोलूँगा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया है। अभी ओपनिंग बैट्समैन आपका लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सब ओपनिंग बैट्समैन ये सब फेल हो गए। अभी मिडिल ऑर्डर वैक्सीन आया है, वो भी अभी फर्स्ट बूस्टर, सेकंड बूस्टर, थर्ड बूस्टर, इसराइल में 4 बूस्टर हो गए हैं, फिर भी लोगों की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? इन्होंने पहले बोला था कि बस वैक्सीन आएगा, वी विल गो बैक टू नॉर्मल, एंथनी फॉची ने भी कहा था। अभी वैक्सीन के बाद भी एबनॉर्मेलिटी बढ़ रहा है तो कम नहीं हो रहा है। अभी कहते हैं डबल मास्क लो। इसके बाद कुदरत का आया है, जो नेचर्स वे है वो सबसे तगड़ा होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वो जो नए स्ट्रेन आते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो ओमिक्रॉन आ गया है, जिसको कि हमको फायदा वाली बात है, उसको हम सेंसेशनल बना रहे हैं। ये भी मैं कहूंगा कि ओमिक्रॉन से भी डरा रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट मैं देख रहा था, WHO चीफ का, टेड्रोस का स्टेटमेंट देख रहा था, उसने कहा कि ओमिक्रॉन को भी लाइटली लेने लेना चाहिए, वी डू नॉट नो आगे क्या होगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी का भय वो बना के रखना चाहते हैं। दूसरा, जहाँ तक ड्रग्स की बात हुई है, अभी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप आराम से रहें या आपके जो ओवरऑल हेल्थ अच्छा हो, आपको ओबेसिटी नहीं हो, आपका डायबिटीज कंट्रोल में है, अगर आप डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन कंट्रोल कीजिए, तो आपका मोर्टेलिटी इवन अप टू द एज ऑफ 69 ईयर्स इज 0.5% से नीचे मोर्टेलिटी है इंडिया में, और बच्चों का तो 0.000, नॉर्मल बच्चे का 0% मोर्टेलिटी है फ्रॉम कोविड। तो इसमें कोई भी अगर ड्रग हो, जैसे 2DG ड्रग हो या मोलनापिर या जो भी नए ड्रग हो या रेमडेसिविर हो, इसको आप बताना बहुत मुश्किल होता है कि इसका इफेक्ट कितना है। कोई अगर बीमारी हो जिसमें 10% या 20% लोग मर जाते हैं, 30%, तो उसी में दवाई का फायदा हम बता सकते हैं, पर जिसमें करीब 0.5% ही डेथ रेट है अगर तरीके से किया जाए तो। ये तो क्या करते हैं, जैसे किसी को भी कोई भी दूसरा बीमारी से मरता है, मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि गनशॉट वुंड से भी कोई मर रहा है, अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो उसको कोविड डेथ में लेबल किया है। तो इससे ये कोई भी दवाई या वैक्सीन को इतना मास स्केल में, पर्टिकुलरली वैक्सीन को इतना जो खर्च, फॉरगेट अबाउट साइड इफेक्ट, फॉरगेट अबाउट डेथ, पर इतना भी कोई आज तक पब्लिक हेल्थ में ऐसा नहीं हुआ कि जिस डिजीज का 1% से नीचे है या 0.5%, हमारे कंट्री में 0.05% इन्फेक्शन फेटलिटी है, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कभी आज तक, और पर्टिकुलरली फॉर अ वैक्सीन विच इज डेवलप्ड इन रिकॉर्ड टाइम। और एक और चीज मैं बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, मोलनुपिरावीर, ये दवाई के नाम भी इतना बड़ा लेते हैं कि आम आदमी घबरा जाए, दवाई सोचेगा बहुत अच्छा है। तो मोलनुपिरावीर जो दवाई है ये किसने बनाया है, इसका भी हिस्ट्री देखिएगा, ये दवाई मर्क ने बनाया है, और मर्क का पहले वाला जो दवाई था, जो कि 50 साल के ऊपर से कोई उसका साइड इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, हमारे को यूज होता है पैरासिटिक डिजीज में, इसके एंटीवायरल प्रॉपर्टी एज वेल एज एंटी इम्यून मॉड्यूलेटर भी था, जिसका कि काफी इफेक्टिव है। एक साउथ अफ्रीका में फिजिशियन है डॉक्टर शंकरा सेटी, उसने 7,000 पेशेंट ट्रीट किए हैं आइवरमेक्टिन से। आइवरमेक्टिन मर्क बनाता था, क्योंकि यह 50 साल से वो पुराना ड्रग है, तो अभी उसके पास पेटेंट नहीं है, उससे उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, तो मर्क ने खुद स्टेटमेंट दे दिया था कि आइवरमेक्टिन इज नॉट इंडिकेटेड इन कोविड, और उसको इमीडिएटली ट्वीट किया था स्वामी समानाथन, जो WHO की साइंटिस्ट है, और इमीडिएटली जब उसके अगेंस्ट दीपाली ओझा ने केस किया था तो उसने इमीडिएटली उसको ये कर लिया था, क्योंकि आइवरमेक्टिन में बहुत स्टडीज हो चुके थे, मेटाएनालिसिस किए थे, एक बड़े फेमस साइंटिस्ट है टेस लॉरी, पियरे कोरी, टेस लॉरी WHO कंसल्टेंट है, थे या है, तो पियरे कोरी, इन्होंने इतने पेशेंट ट्रीट किए आइवरमेक्टिन से, उन्होंने इतना साउंड, उनके पास मेटाएनालिसिस के डेटा थे, उसमें उन्होंने गलतियां निकाल दिया, एंथनी फॉची और उसके जितने भी पार्टनर्स थे, कि ये इसमें कोई भी स्टडी में थोड़ी छोटी मोटी गलती होती है, पर उसका जो आइवरमेक्टिन का जो एविडेंस था दैट वाज बेटर देन द एविडेंस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन अभी आप देखिए 68 कंट्रीज में कोई कोरिलेशन नहीं है, इतने कंट्रीज में अभी वैक्सीनेशन कवरेज UK USA में हमसे ज्यादा है, पर उनके अभी हमारे यहाँ 1 लाख केसेस हो रहे हैं अभी,
मोर्टेलिटी 300 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। उनके यहाँ 2 लाख केसेज हो रहे हैं यूके में, उनका पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारा 140 करोड़ है। यूएसए में 7 लाख केसेज हो रहे हैं, डेथ भी 2000 हो रहे हैं। उनका वैक्सीनेशन स्टेटस 70-80% है, 100% है, एल्डरली है, फिर भी डेथ हो रहा है। तो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, उन्होंने थर्ड बूस्टर ले लिया, उन लोग बच्चे भी बूस्टर लगा रहे हैं, हमें आंखों के सामने दिखा रहा है, जहां जहां वैक्सीनेशन ज्यादा है वहां केसेज भी ज्यादा हो रहे हैं, मतलब इट इज मेकिंग नो इम्पैक्ट। फिर भी लोगों को पता नहीं, लोग समझ रहे होंगे शायद, मेरे को लगता समझ रहे होंगे, इसीलिए उनको वैक्सीन मैंडेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको वैक्सीन जबरदस्ती दिया जा रहा है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये एक बार वैक्सीन लिया, फिर दूसरा डोज लिया, फिर तीसरा डोज लिया, लेते जाइए, ये भी क्या स्टडी आ गया क्या कि हर डोज के बाद आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, इसीलिए आपको डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे जो वायरस हैं वो तेजी से आपको इन्फेक्शन कर रहा है? ये भी स्टडी आ रहा है कि जिन्होंने डोजेस लिए हैं वैक्सीन के और जिन्होंने जो अनवैक्सीनेटेड है उनको कोई हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेटेड को तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये कोई भी रिसर्च, जो भी रिसर्च विपरीत जा रहे हैं, वैक्सीन के विपरीत जाएगा, वो रिसर्च वो ना इनकरेज करते हैं ना वो आपका पब्लिश करेंगे। और मैं एक आखिरी में एक मोलनोपिरावीर के बाद बता रहा हूँ, मर्क ने आइवरमेक्टिन को उन्होंने ऑर्फेन बना दिया, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसी मर्क ने अभी दूसरी दवाई बनाई है जो कि मोलनोपिरावीर जो भी दवाई बनाया है उसको, सबसे हैरान वाली बात हमारे इंडिया में बहुत बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है उस दवाई का, डायरेक्टर जनरल DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव कर दिया है, पर ICMR ने उसको रिकमेंड नहीं किया है, फिर भी वो दवाई अवेलेबल है सिप्ला डॉक्टर रेडी से, और इसमें उसको बहुत पैसा मिलेगा मर्क को, और ये इसका एक्शन आइवरमेक्टिन भी जैसा है पर इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा है। ICMR कहता है कि इसमें क्या है, जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं, फीटस को हार्म हो सकता है, यहाँ तक कि इसका रिकमेंडेशन ये है कि ये दवाई लेने से 3 महीने तक आप कंट्रासेप्शन यूज कीजिए, बच्चा नहीं पैदा कीजिए। तो इतना भयंकर दवाई आपने मार्स स्केल में, अभी लोग घबराहट में, अभी जो घबराहट कर रहे हैं, लास्ट टाइम लोगों ने स्टीरॉयड सेल्फ मेडिकेशन किया, रेमडेसिविर लिया, उससे कई साइड इफेक्ट से डेथ हो गए, म्यूकर माइकोसिस हो गए, तो अभी ये खतरा ये है कि ये दवाई ब्लैक में बिकेगा। अभी मेरे को ये एप्रिहेंशन है फॉर अ डिजीज विच हैज गॉट अ सर्वाइवल 99.9599% यंग पर्सन में, या 99% के ऊपर, एल्डरली में भी 99 सर्वाइवल है, उसमें अगर आप अननेसेसरी दवाई लोगे तो दवाई के साइड इफेक्ट अननोन है और दवाई से हार्म ज्यादा हो सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं इस दवाई से। और वैक्सीन का तो मौसला है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि बच्चे के डेथ्स हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आज तक कोविड से कोई डेथ बता दे कोई हेल्दी बच्चे में तो इट इज जस्टिफाइड। और मजे की बात है, चित भी मेरा पट भी मेरा हो रहा है, क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव आता है चाहे वो किसी भी चीज से मरे उसको कोविड डेथ में दिया जाता है, वैक्सीन लेने के बाद कोई भी डेथ होता है उसको बोलते हैं ये कोइंसिडेंटल है, तो वैक्सीन के बाद डेथ होने से कोइंसिडेंटल है। अगर कोविड हुआ 1 महीने पुराना भी कोविड, इसकी जो आत्मा भी मिल जाती है कोविड RT-PCR से, वो भी 2 महीने बाद पॉजिटिव होगा, वो मरेगा कोई और चीज से तो बोलेंगे ये कोविड डेथ है, पर वैक्सीन का दूसरे दिन तीसरे दिन भी अगर कोई बच्चे का डेथ होता है तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं है तो कोइंसिडेंटल है। अच्छा, तो ऐसे में तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ी चर्चा इस बात पर कर लेता हूँ कि ये जो DRDO का जो था DG2 और ये जो आइवरमेक्टिन है, क्या ये भी बू आ रही है क्या कि जो ड्रग, डिफरेंट ड्रग का जो कॉन्फ्लिक्ट है मैन्युफैक्चरर का, वो लॉबी भी काम करता है, ये भी एक कारण हो सकता है? वो मर्क ने खुद ही अपना दवाई को ही उसने बोल दिया काम नहीं करता है, जबकि वो आइवरमेक्टिन पहले हमारे ICMR ने भी रिकमेंड किया था, हमारे प्रोटोकॉल में भी था, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि उसी की वजह से उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया था। उत्तर प्रदेश में आगरा में एक डॉक्टर साहब है पल्मोनरी मेडिसिन के KGMC के, और उन्होंने काफी UP में घर घर में जाके आइवरमेक्टिन दिया था और इमीडिएटली वो सेकेंड वेव में UP सबसे जल्दी नीचे आया था। और ये कहते हैं बाकी और भी कंट्रीज है, दूसरे कंट्रीज है लैटिन अमेरिका में, जिसमें कि आइवरमेक्टिन जहां जहां उन्होंने तो डॉक्टर साहब आप ये इशारा कर रहे हैं कि वी नीड ए कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एवरीथिंग, देयरफॉर वी नीड ए सेपरेट कोरोना कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट सेपरेट होना चाहिए, सो दैट डॉक्टर लाइक कुशवाहा, डॉक्टर लाइक अमिताभ बैनर्जी कैन गो देयर एंड पुट सम रिकॉर्ड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द जस्टिस। और हम लोग तो छोटे मोटे हैं, जैसे मैं बोला टेस्ट लॉरी है, इरे कोरी है, संतरा सेटी है, इन्होंने हजारों हजारों पेशेंट खुद ट्रीट किए, 7,000 पेशेंट
शंकरा सेटी के साथ मैं इंटरनेशनल पैनल शेयर किया है, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है कि उन्होंने 7,000 पेशेंट ट्रीट किया है, किसी का डेथ नहीं हुआ और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत। सत्य है, सत्य है ना। तो इनका यह कहना है कि हवा के बदलने से, ऋतुओं के बदलने से इस तरह के परिवर्तन आपके शरीर पर होते हैं और आपको थोड़ी बहुत जो बीमारी होती है वो होती है और वो चली जाएगी, लेकिन उसको आपने पेंडेमिक में तब्दील करके उसको आपने हवा बनाया है। अमिताभ जी अब बताइए आप इसको जरा सा। मेरा मत डॉक्टर पेटकर और डॉक्टर कुशवाहा के बीचों बीच में रखूंगा, दोनों आधे सही है आधे गलत है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे डॉक्टर पेटकर ने कहा, डॉक्टर सचिन पेटकर ने कहा कि सिर के ऊपर कुछ तो गिरा था, वो पत्ता गिरा था, तो आत्मा नहीं बोलते है उस पत्ते को हम वायरस ले लेते हैं या जेनेटिक सीक्वेंस ले लेते हैं। राइट राइट, कुछ तो गिरा है, तो कुछ तो गिरा है और भाग रहे हैं, और डेटा भी यही कहता है। डेटा क्या कहता है, 0.05% इज द मोर्टेलिटी ऑफ इन्फेक्शन, और ये डेटा मेटा एनालिसिस से किया है जॉन यूनिट्स ने। यहाँ तक ये कहता है कि उसने, उन्होंने ये भी स्टडी किया है कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम में जो बुजुर्ग आदमी रहता है जो कोमोबिडिटी के साथ नर्सिंग होम में भर्ती रहता है, कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन भी हो जाए तो उसको 8% मोर्टेलिटी है, और इसका जो हाईएस्ट मोर्टेलिटी कोविड का स्टार्टिंग में भी जो ऐसे पेशेंट में 5% था। तो मैंने ऐसे आदमी को कॉमन कोल्ड भी किल कर देता है, और अभी तो हम अंदर करके घबरा के और लोगों को, ज्यादा लोगों को मार रहे होंगे अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। दूसरा चीज है कि बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, मैं सबको चैलेंज कर चुका हूं, और जैसे आपके इसमें एक बार डॉक्टर सुचारित भागड़ी आए थे, उनका मैंने, उनका वीडियो क्यों बैन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए हैं, उन्होंने आरटीपीसीआर पे तो सवाल किया है और एंटीबॉडीज को भी सवाल किया है। अभी हम जो कहते हैं ना एंटीबॉडीज, जैसे वायरस होता है, कोई भी नया वायरस, नोवेल वायरस जो होगा, फर्स्ट टाइम जब वो इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडीज आते हैं, दैट इज अ साइन ऑफ रिसेंट इन्फेक्शन, और 2-3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद IgG एंटीबॉडीज आते हैं। तो डॉक्टर सुचारित भाकरी ने चैलेंज किया है कि अभी जितने भी एंटीबॉडीज टेस्ट है, जिसको कि नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, अगर वो नोवेल है या फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले IgM लेवल्स आने चाहिए, पर अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी लैब ने IgM लेवल नहीं दिया है, और सीधा नहीं दिया है क्योंकि IgM आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और बोला है, सबसे बड़ा इसको चैलेंज किया है कि IgM क्यों नहीं आता है, सीधा IgG क्यों आता है। अगर सीधा IgG आता है, इसका मतलब ये नॉवेल चीज है ही नहीं, ये दूसरे कोरोना वायरस से मिलता जुलता है, बॉडी इमीडिएटली पहचान जाता है। और ये मैंने खुद फिर ये किया, मैं पहले का जो रिपोर्ट देखता था, मैंने सर्वे भी किया है, सीरो सर्वे किया है, उनके किट में सीधा IgG देते थे, मैंने बोला हमको IgM दो, बोलता नहीं, उसके लिए इन लोग उल्टा घुमा फिरा के बात करते हैं, लैब वाले भी इसमें मिले हुए हैं, वो बोलते नहीं नहीं उसके लिए अलग किट होगा, मैंने बोला ठीक है अलग किट मंगाओ, टाल के बात करते हैं। फिर मैंने खुद अपना खुद का एंटीबॉडी आया था एबर्ट ये किट से, लाल पैथ लैब में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम कंबाइंड, हमने बोला हमको IgM चाहिए, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि हमको रिसेंट इन्फेक्शन है कि ओल्ड इन्फेक्शन है, ये हर वायरल डिजीज में यही होता है, IgM आता है उसके बाद IgE, पर इसमें IgM कोई लैब नहीं बताता है। हमने बोला हमको IgM बताओ, तो उन्होंने क्या किया कि बोला कंबाइंड हम बताएंगे, तो वो कंबाइंड रिपोर्ट दिया, कंबाइंड IgM IgG इतना, हमने बोला कंबाइंड नहीं चाहिए हमको, ऐसा कभी होता नहीं है, सीक्वेंस में आता, पहले IgM आता फिर कंबाइंड बोल के कोई चीज होता ही नहीं है, इसका मतलब वो IgM नहीं डिटेक्ट करके पाते। मैंने बड़े बड़े लैब में पूछा IgM, वो बोलते कीटा था किया था, सीधा बात कोई नहीं कहते। सुचारित भागड़ी का मैंने देखा है एक प्रेजेंटेशन, उन्हें कहा IgM आता ही नहीं है क्योंकि यह नोवेल कोरोना वायरस है ही नहीं। अब ये तब तो डॉक्टर साहब, तब तो डॉक्टर साहब सेठेकर साहब की कहानी थोड़ी सच लग रही है, 90% वो सच बोल रहे हैं। कुशवाहा साहब को थोड़ा बैकफुट पे जाना पड़ेगा, कुशवाहा साहब को इसलिए जाना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे बिलियंस ऑफ वायरस भी कैरी इन आवर बॉडी, अभी कल हमने चैलेंज कर देंगे कि मेनिंगोकोकस से मरा पेशेंट, स्ट्रेप्टोकोकस से मरा, ये भी एक आरटीपीसीआर भी यही एक है। कुशवाहा जी बोलिए, Corona virus may be the reason that most of them remain asymptomatic because it could easily tackle this virus. That is possible. Densely crowded countries mein isliye kam hai kyunki we have been exposed to other corona viruses. Humko kuch cross immunity nahi nahi lekin ban gaya. Ye sab cheeze nahi kaam karte hain.
दुकानें बंद से ज्यादा लोग मरते हैं, ज्यादा लिए जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन से मरते हैं, और कॉमन कोल्ड वायरस से भी मैंने कहा 8% लोग बुजुर्ग मर जाते हैं। तो ये कॉमन कोल्ड सोसाइटी में जिम को बंद कर दिया गया है, जिम को बंद कर दिया गया। कॉमन कोल्ड के लिए हम वैक्सीन नहीं ढूंढते हैं, कॉमन कोल्ड के लिए हम मास्क वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, कॉमन कोल्ड के लिए हम नहीं करते ना ही कोई मास्क लगाता है, उसमें म्यूकर माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होगा, मास्क से सीधा साइनस के पास होता है, गीला हो जाता है। पेशेकर साहब, पेशेकर साहब कुछ बोल रहे हैं, डॉक्टर पेशेकर कुछ बोल रहे हैं जी, बोलिए पेशेकर साहब। आज तो बहुत बढ़िया चर्चा हुई है, आज तो एकदम खुल करके आ गया है, दर्शकों को ये चर्चा जरूर देखनी चाहिए। मास्क में एक लास्ट बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपके मास्क को बैक्टीरिया आपके लंगोट से भी ज्यादा आपके मास्क में बैक्टीरिया मिल जाएगा, ओरल कैविटी इतना गंदा होता है। मैं बोलता हूँ आप अपना अच्छे को कीजिए, अच्छे से नहीं, ये फैक्ट है, इससे टाइप के इंफेक्शन होते हैं, हो सकता है उसी से निमोनिया होता हो। मैं ये